आप देख रहे SG24, मैं आपके साथ अहमद कुरैशी। दिल्ली में संत रैदास का मंदिर तोड़वा दिया गया, ये कहकर कि यह मंदिर सरकारी जमीन पर बना था। मंदिर तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन में शामिल एक वकील साहब का तर्क वाकई मजबूत है। संत रैदास का मंदिर लगभग 500 साल पुराना था, क्या DDA जो अब जमीन का मालिक बना बैठा है तब कहीं अस्तित्व में था? 510 वर्ष पूर्व संत रैदास का मंदिर बनाने के लिए ये सारी जमीन सिकंदर लोदी ने दान की थी। मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। देश की आजादी के बाद तत्कालीन दलित नेता बाबू जगजीवन राम ने वर्ष 1959 में भी हुए इस जीर्णोद्धार के बाद इस मंदिर का उद्घाटन किया था, जिस बात की पुष्टि बाबू जगजीवन राम की पुत्री सुश्री मीरा कुमारी जी ने ट्वीट कर की है। ऐसे में इस मंदिर का सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की बात हजम नहीं होती। देश के करोड़ों दलित के बीच इस समय बहुत असंतोष फैला हुआ है। दलित भाइयों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल अवश्य ही रखना चाहिए। ये क्या तरीका है कि आप बिना किसी समाज की इजाजत उसके धार्मिक स्थलों को तोड़ दे और बाद में मंदिर अन्यत्र बनाने का प्रस्ताव रखें? क्या यही बात दलित समाज में मंदिर तोड़ने से पहले नहीं करनी चाहिए थी, और जब वे राजी होते तभी मंदिर को हाथ नहीं लगाना चाहिए था? इससे पूर्व इसी तरह बनारस और इलाहाबाद के कई प्राचीन महत्व वाले मंदिरों को सरकारी योजनाओं के नाम पर तोड़ देने की खबरें आई थी और लोगों को इस बात ने बहुत आहत किया था कि देवताओं की मूर्तियों को अपमान पूर्वक यहाँ वहाँ फेंक दिया गया था। इस मामले में सरकारी तंत्र को जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी उससे तंत्र बिल्कुल खाली हो चुका है, और ये बात बेहद चिंताजनक है।